जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो काफी टाइम से वेट हो रहा था कि भाई आप अपना नया जो ट्रेडिंग सेटअप, आपने जो नया ट्रेडिंग फ्लोर या ट्रेडिंग रूम बनाया है, अपना स्टूडियो बनाया है, उसका हमें टूर दो। तो वही मैंने प्लान किया था कि मैं संडे को आपको ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट करा के आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाऊंगा और हर एक पर्टिकुलर डिवाइस का आपको प्राइस भी बता दूंगा और क्या उसको लगाने में टाइम लगा, कितना टाइम में सब कुछ रेडी हुआ है, वो सब आपको इस शेयर करूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बट सीखे बिना बिल्कुल मत करना और पूरा वीडियो देखो, आपको लास्ट में आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, उसका वेट करो। ठीक है, तो आपको जैसे पता होगा भाई, मैंने जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, अराउंड मार्च अप्रैल मई, उस टाइम पे एक मेरे पास ये टैब था, आपको पता ही होगा, पहले मेरे आपने जेंट उसमें देखा है रियलमी का 19,000 रुपीज का जो मैंने नया लिया था। एंड उसके साथ साथ मेरे पास एक एम आई का फोन था, अभी वो मेरा एडिटर उसको यूज करता है, उसमें फोन आता है आप सभी लोगों के, तो वही हैंडल करता है वो दो फोन। और उस फोन और इस टैब से मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी लास्ट ईयर, और ये अभी महीना चल रहा है जून का। ठीक है, और लास्ट ईयर मैंने मार्च अप्रैल में ये चीजें स्टार्ट किया था, फुल टाइम ट्रेडिंग सिर्फ टैब और फोन। ओके, तो उसके बाद मैंने अपने ट्रेडिंग सेटअप में क्या क्या एड ऑन किया, और उस सिर्फ टैब से लेकर अभी तक का कंप्लीट सेटअप एक तरीके से मैंने अपना जो बनाया है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक ये हो सकता है कि हाँ, ट्रेडिंग के अंदर आप लगे रहो, करते रहो करते रहो, कहीं आपको जो ट्रेडिंग है, आपका जो स्किल सेट है, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस है वहां पर पहुंचा देगा, आपका जो ड्रीम है उसको अचीव करने में आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल हेल्प कर सकती है। और ऐसी आप ट्रेडिंग करते रहो, बाकी अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ ये फोन से, जिस पर मैं मेनली ये फोन से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे ट्रेड इसी पे जाते हैं, आप इसी यही फोन देखते होंगे। ये है वीवो का, ठीक है, वीवो V27 ऐसे करके कुछ था, इसका प्राइस अराउंड 32,000 रुपीज, और ये कल परसों गिर गया था तो थोड़ा सा हैंग जैसा होने लग गया, बट इसको हम ठीक करा लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला है क्योंकि मेरे ट्रेड से सारे इसी से एग्जीक्यूट करते हैं, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए। ओके, उसके बाद मैं चलता हूँ, मैं सुबह आके बैठता हूँ, मैं अभी इस चेयर पे बैठता हूँ, आपने देखा होगा मेरे पास पहले दूसरा चेयर था, अभी मेरे पास ये चेयर ले लिया है मैंने, और इसके अंदर आप जो देख रहे हो लाइट, और इसको मैं अगर बटन वटन दबाता हूँ ना तो थोड़ा सा लाइट रंग बिरंगी हो जाती है, देख रहे हो ये कलर चेंज कर देता है। बाकी ये काफी अच्छी चेयर है, अभी मैंने जो इसको परचेज किया था रिसेंटली, एड ऑन किया है मैंने इसको, और इसका जो इसका मैं सभी सभी अपने गैजेट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ये कंप्लीट अच्छा चेयर है, इसके अंदर क्या है देखो, ये बहुत तेज गिर गया था, ये देखो, ऐसे करके मैं नेटफ्लिक्स देखता रहता हूँ वहाँ स्क्रीन पे, तो ये काफी कंफर्टेबल चेयर है, और मैं ट्रेड ट्रेड नहीं करता तो इसमें सो भी जाता हूँ, तो काफी बढ़िया चेयर है, तो इसको आप ऐसे करके पूरा घूम जाता है, काफी अच्छा चेयर है। तो इसका प्राइस की बात करता हूँ, ये अराउंड मेरे को पड़ा था 14,000 रुपीज का ये चेयर है, काफी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी, आप जाके ये चेयर ले सकते हो अगर आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप में एड ऑन कर। फिर उसके बाद बात करते हैं, मेरा सबसे पहला मैं क्या देखता हूँ, मैं चेयर पर बैठने के बाद मेरे पास यहाँ पर लगता है न्यूज, ये जो स्क्रीन है 55 इंच का है, 4K HD स्क्रीन है, इसका प्राइस अराउंड 45,000 रुपीज था। इस पर मैं सुबह सुबह न्यूज देखता हूँ, बाकी दिन में बोरिंग मार्केट हो जाता है तो मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे, ये जो मेन स्क्रीन है ये मेरा एसर का है, कर्व्ड डिस्प्ले कहते हैं इसको, 49 इंच है ना, 49 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले है, और ये मेरा कनेक्टेड है मेरे इस CPU से जो मैंने बिल्ट करवाया था, और इसका प्राइस जो है 80 to 85 थाउजेंड, मैंने 80,000 के आसपास ही लिया था। उसके बाद मैंने अभी जो रिसेंटली एड ऑन किया है, एक स्क्रीन एड ऑन की है जिसको मैं खड़े पर लगाता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पे ऐसे चार्ट देखने में आसानी रहे, इनफ है मेरे लिए, और मैं एक और लगाने वाला था बट मेरे को वो बहुत ज्यादा लग रहा था कि उतना चार्ट में देखता नहीं, बट इतने में मैं 6 से 7 चार्ट देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं स्केल्पर हूँ। तो ये है अपना पास डेल का, और इसका प्राइस अराउंड मेरे को पड़ा था 20,000 रुपीज, क्योंकि 360 घूमता है तो इस वजह से थोड़ा से महंगे होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, अभी मेरे को मेरे ट्रेडिंग सेटअप को काफी कूल बनाता है ये चीज। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम अपने पीसी पे, तो मैंने ये जो इसका बाहर का जो इसका कवर है, जो खोखा है जिसके अंदर पड़ा हुआ है, ये लैबकेयर का है, काफी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाता है, लेकिन जो इसके अंदर हमने जो सिस्टम डाल रखा है, जो भी ग्राफिक कार्ड रैम वगैरह जितना कुछ पड़ता है, मुझे उसका आइडिया नहीं है, ये अराउंड 50,000 के अंदर में ये पूरा का पूरा पीसी बिल्ड हो चुका था, तो इसका प्राइस अराउंड 50,000 है। बाकी जो अपने जेवनिक्स और ये कीबोर्ड और माउस देख रहे होंगे जिसमें रंग बिरंगी लाइट चमक रही है, ये भी अराउंड 3,000 4,000 के अंदर पे दोनों चीजें आ गई थी। अब बात करते हैं इस टेबल की, तो ये टेबल आपने मेरे को मेरे वहां पर भी बताया था, तो ये जो वुडन वर्क है जितना भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेबल, और एक और वुडन था वो जो टूट जैसा गया था, वो मैंने अराउंड 35,000 रुपीज का अपने वहीं के ही लोकल के
जो भी मेरा कारपेंटर था उससे बनवाया था, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं स्पीकर। ये जो स्पीकर है ये भी जेबोनिक्स का है, इसका प्राइस अराउंड 18,000 रुपीज। तो इसका जो स्पीकर लगे हुए हैं एक उसी के ऊपर है, एक इस कोने पे मैंने डाला हुआ है, एंड एक और स्पीकर है जो यहाँ पर है खड़ा किया हुआ मैंने, एक उस झाड़ के पीछे मैंने छुपा रखा है, ठीक है, और एक इस जो मैंने यहाँ पर रखा है इतना सारा कुछ उसके पीछे छुपा रखा है। लेकिन जब मैं बजाता हूँ और इसमें 8D में अगर मैं म्यूजिक बजाता हूँ, मैं बीचों सेंटर में मेरी कुर्सी रहती है, 8D में जो बीट्स जितनी आती हैं वो जब मैं बजाता हूँ तो पूरा का पूरा गूंजता है, तो काफी मजेदार एक्सपीरियंस आता है यहाँ पे। अब बात करते हैं झाड़ की। देखो यहाँ पर एक झाड़ है, ठीक है, ये झाड़ आपको पता था कौन सा था, पहले स्टॉक बनने में लगाता था तो वहां पर लगा रहता था, अब मैंने इसको खड़ा कर दिया है। ये हेडफोन है, जब से लिया तब से इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, खाली पड़ा है, और ये मेरा बैनर है जो आपने हमेशा देखा होगा, और यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड दिखाने के लिए कुछ कोटेशन मैंने लगा रखी है ताकि कोई आए तो उसे लगे कि हाँ बहुत बड़ा ट्रेडर है, ठीक है। और ये देखो ट्रेडिंग पेशेंस पेशेंस पढ़ना पढ़ा वड़ा तो नहीं कभी, लेकिन अच्छा लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैंने जो नई चीजें एड ऑन की है। देखो ये जो कुर्सी है हरे हरे कलर की, मतलब मेरे को काफी अच्छा लगा था, मैं अभी गया था जब वहाँ पे स्टोर में तो मेरे को काफी अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपने पॉडकास्ट वगैरह करते हैं तो उनके पास काफी कूल सी चेयर होती है जो कि इस टाइप की होती है, तो मेरे को काफी अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ले लिया। और एक चेयर का प्राइस अराउंड 6,000 रुपीज है, तो ये दो चेयर है अराउंड 12,000 रुपीज। और ये आपका जो टेबल मैंने इसी में लिया था गोल्डन कलर का व्हाइट के साथ, इसके ऊपर जो है पत्थर है काफी अच्छा लग रहा था, इसका प्राइस भी अराउंड 5-6,000 रुपीज के आसपास है, ठीक है। और ये जो झाड़ है ये जिंदा है, अगर आपको लग रहा होगा नकली है, ये जिंदी झाड़ है, ठीक है। ये बम्बू कुछ होता है इसको कुछ कहते हैं, और इसमें पानी बदलते रहना पड़ता है, इससे तरक्की होती है, ठीक है। इसलिए मैं किसने बोला इससे तरक्की होती है, मैं उठा के तुरंत ले आया और आज ही लाया हूँ भाई, ठीक है। और ये है एक और हरे पत्ते, जो हरियाली हमें दिखनी चाहिए, हमें अपना पीनर ग्रीन चाहिए होता है तो हमें कुछ हरियाली दिखती रहनी चाहिए अपने आंखों के सामने आसपास, तो इसलिए मैं लेके आ गया, वो भी इतना बड़ा, लेकिन ये नकली है भाई, इसमें कुछ नहीं है। देखो ऐसे पत्ते थे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बहुत सही है, लेकिन ये अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। और ये इसका प्राइस भी अराउंड 5,000 रुपीज के आसपास है भाई, नकली झाड़ है इतना महंगा, तो यहाँ का हो गया। अब आ जाते हैं इस वॉल पे। वॉल पे तो ठीक है, जो कराया है जो टेक्सचर है जिस तरीके का है ये ठीक है, करने वाले ने कर दिया। ये हमारा यूट्यूब प्ले बटन ठीक है जो अभी रिसेंट आया था, ये हमारा 5,000 ऐप डाउनलोड वाला क्लास प्लस का, बहुत ही जल्द कल परसों में हमारे पास यहाँ पे 25,000 30,000+ ऐप डाउनलोड वाला एक और आने वाला है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ। ये घड़ी, और ये घड़ी जिसने मेरे को दी थी आप कमेंट करके बताया ना, उनने मेरे को गिफ्ट किया था, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है क्योंकि गिफ्टेड आइटम है, काफी अच्छा लग रहा था मेरे को यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ इस वाले पोर्शन की। यहाँ पे है हमारे पास आदि योगी जी, तो इनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि भाई मैं तो मानता हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, और ये सबसे ज्यादा मतलब मैं जिस पर भरोसा करता हूँ, मेरे लिए एक ही भगवान पे सबसे ज्यादा मैं बिलीव करता हूँ, मैं हर किसी को उन्हीं का अंश समझता हूँ, तो एक बिलीव सिस्टम होता है, तो इसलिए मैं शिव जी को सबसे ज्यादा मतलब एक अंदर से आता है, आप समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो बुल दिख रहा है बैल, ठीक है, ये मेरे को मैं सोचा था गोल्डन कलर का मिले लेकिन हरा कलर का मिला, तो इससे ये होता है कि मेरा पीनर हमेशा हरा रहेगा, तो इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ फोटोज दिख रही है ना, ये मेरी ही है, इसमें मैं कहाँ पर हूँ आप तो मैं मिलेगा नहीं, लेकिन इसमें मैं कहीं पर हूँ और मैं हूँ यहाँ कहीं पर खड़ा हुआ, अब मुझे खुद नहीं मिल रहा है मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन आप ढूंढ लेना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ये मैंने लगाया है क्योंकि ये अपना जहाँ मैंने किया हुआ है 4 साल, तो एक तरीके से अपने रगों में है ये चीज, ठीक है। और ये बाकी झाड़ थे, देखो नकली झाड़ मैंने रखे हुए हैं, और ये भी चीज मेरे रगों में है, ये है। देखो एक बार मैं 2017 में मैराथन दौड़ा था, तो सबसे अच्छी जो ट्रॉफी मेरे को मिली थी छोटी सी, ये मेरे को अच्छी लगती है इसलिए मैंने रखा है। हाँ मेरे पास बहुत ट्रॉफीज और मेडल्स हैं, बट वो पता नहीं धूल खा रहे हैं कहीं, क्योंकि मैं उस वक्त क्रॉस कंट्री दौड़ता था, तो उस चीज का मैंने एक निशानी अभी भी रखी हुई है। बाकी पुस्तकें आपने देखी होंगी, पिछली बार देखी थी कुछ पुस्तक है ना, तो कुछ ज्यादा थी या फिर कम हो चुकी है, क्योंकि मेरे से कोई ले गया वापस कभी दिया नहीं उसने, ठीक है, तो अभी लेकिन पढ़ता तो हो नहीं, पर रखी है दिखाने के लिए, ठीक है। तो और ये है देखो, ये बनाया था किसी ने मेरे लिए तो काफी अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। बाकी इसके पीछे नकली था, और ये जो ये ओवरऑल ये इसके अंदर जो आइटम है इसकी कॉस्टिंग तो क्या ही बताऊँ, ये इसकी मैं कॉस्टिंग आपको कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वो वैल्यू ऐसे बता के ऐसा लगता है कि इतना खरीदा ही खरीदा, ठीक नहीं लगता। बाकी बुल का बता देता हूँ, ये अराउंड अभी पड़ा था मेरे को 1,800 रुपीज का, और बाकी और कुछ यहाँ पे ऐसा एड ऑन नहीं है, बट ये जो प्लास्टिक है ये भी मेरे को 1,500 रुपये या 1,800 रुपये के आसपास का पड़ा था स्टैंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाँ, और नीचे मैंने एक मैट लगा रखा है दो, जो कि देखो अगर मैं यहाँ पर सुबह आता हूँ तो एकदम ठीक ठाक लगता है, इसमें फर्श फर्श जैसे हैं, तो
ये भी अराउंड 3,000 रुपीज का एक छोटा सा टुकड़ा था, ये भी मैंने लिया है। और इसके पीछे एक और चीज आपको दिखाता हूँ, ये जो फॉर्म है ये देख रहे हो, तो मैंने दिल्ली से मंगाया था मैंने स्टूडियो के अंदर लगाने के लिए, तो आपको स्टूडियो में बताता हूँ कि कितने का मेरे को पड़ा और मैंने क्यों लगाया। इससे क्या होता है देखो, अगर आप जब बोलते हो सामने से कुछ भी बोलते हो तो यहाँ पर ये साउंड प्रूफ होता है, ये आपके इस आवाज को टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं करता है, दबा देता है, मतलब एक तरीके से आपकी आवाज गूंजती नहीं है, ठीक है। बाकी आप इस पूरा मेरे ट्रेडिंग सेटअप का आपको सिनेमैटिक शॉट मिल जाएगा, आपको काफी पसंद आएगा, आप आ जाओ। अब मैं अभी तक वीडियो बना रहा था तो मेरे ऊपर लाइट पड़ रही थी, और मैंने जो लाइट मंगाई है ये देखो, ये गुडॉक्स की है और इसका प्राइस काफी मतलब एक्सपेंसिव लाइट है, बहुत महंगी महंगी है, 2 महीने मंगाए थे, अराउंड प्राइस तो ये 20-30-40,000 के आसपास का, मतलब दो लाइट स्टैंड स्टैंड सब कुछ मिला के ऐसा मेरे को पड़ा है। आप आ जाओ इधर को। तो अभी हमने रिसेंट वो अपना सेटअप किया रेडी, तो यहाँ पर मैं अभी कुछ जिम वाला एक वो होता है इसमें मल्टीपल एक्सरसाइज हो जाती है, वो मैं ऐड ऑन करने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा स्पेस खाली है। अब आ जाओ इधर को, यहाँ पर किचन ठीक है, तो किचन में कुछ है नहीं, सारा सामान इनके अंदर भरा है, वो आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो ट्रेडिंग सेटअप पर नहीं आता है, वो ईटिंग सेटअप में आता है। ईटिंग सेटअप वो आंटी आती है बना देती है, अब हम बर्तन धोते हैं खाली, ठीक है। और जो आपने देखा होगा वो लकड़ी वाला जिसमें मैं बहुत कुछ रखता था, मैं वहाँ जूते रखता हूँ है ना, और यहीं पे हमारी गाड़ी की चाबी ये वो यहीं पे पड़ा रहता है, और झाड़ू पोछे का सामान सारे इधर पड़ा रहता है। एक मेन वॉशरूम है हमारा, मतलब जो हर कोई यूज कर सकता है, एक है प्राइवेट वॉशरूम जो वहाँ, और जो ये वाला रूम है यहाँ पर मेरे एक मेरा जो मैनेजर है एडिटर दोनों के दोनों यहाँ पे रहते हैं, गौरव और अनुज, और ये उनका वर्किंग डेस्क है, लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम अभी है नहीं, खाली ताल पड़े हैं, लेकिन ये मेरी कुर्सी भी अभी यूज करते हैं, और ये वाली कुर्सी भी यही यूज करते हैं। इसका प्राइस था अराउंड 4,000 के आसपास, इसका प्राइस था 6,000 के आसपास, ये टेबल 2,800 रुपए की थी, मैंने आपको पहले ही बताया। बाकी अब चलते हैं अपने मेन रूम पे जहाँ पर अपना और कुछ चलता है काम धंधा, तो आ जाओ दिखा दूंगा। अब यहाँ पर आपको कुछ आवाज बदली बदली सी लग रही होगी, यहाँ पर कुछ आवाज दबी सी लग रही होगी, और क्यों दबी है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं चप्पल पहन के आ गया तो छोड़ा चप्पल को भारी खुलना, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ से बंद कर देता हूँ इस दरवाजे को, तो इस अगर दरवाजे को मैं यहाँ पर अगर बंद कर देता हूँ, और अब यहाँ पर आवाज में कुछ चेंजमेंट आ गया है तो आप देख रहे होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आवाज थोड़ी सी अंदर ही अंदर है, मतलब मेरी आवाज गूंज नहीं रही है, यहाँ पर कुछ फैल नहीं रही है। और ये अपना हो गया अपना ट्रेडिंग, ये जो मैंने अभी रिसेंटली जो स्टूडियो पूरा बनाया आप देख सकते हो, ऊपर नीचे चारों तरफ देख लो, ये पूरा मैंने चारों तरफ लगवा रखा है, और ये साउंड प्रूफ फॉर्म है, ये मैंने दिल्ली से मंगाया था, ठीक है। और पूरा का पूरा ये मैंने चिपकाया है, और ये अराउंड इस सारा सीट मिला के 20,000 रुपीज का है, पूरा नीचे से सीट से लेकर ये सारा साउंड प्रूफ फॉर्म मेरे को पड़ा है, 20,000 का इसका अप्रोक्सीमेटली बिल आया है मेरे पास, ठीक है। और जो एक लाइट बाहर लगाई थी वो एक लाइट यही है, गोडॉक्स की, काफी अच्छी लाइट है ना, और ये इसके बाहर से व्हाइट बॉक्स लगता है तो ये आपका लाइट को थोड़ा सा ऐसे फैला देता है, ऐसा नहीं लगता कि आपके मुंह पर ही पड़ रही है, पूरा एकदम फैला के लाइट फेंकता है, ठीक है। और अब चलते हैं इस बोर्ड पे, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे बोर्ड पूरा का पूरा, यहाँ पर अपनी कलाकृति बनाओ या अपना जो भी आपका ड्राइंग है ऐसे ऐसे मिटा मुटे के, पूरी क्लासेस मेरी अब इस पर चल रही है, और लाइव क्लासेस जो भी मैं चाहता हूँ इसी बोर्ड पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका प्राइस अराउंड आप कह सकते हो अंडर 1 लाख कह सकते हो इसको, ठीक है। अब आते हैं इस लैपटॉप पे, ये देखो ये जो लैपटॉप है आपको पता ही होगा मेरे पास मैकबुक रहता है, एम मैकबुक, इसको मैंने 1,10,000 रुपये का लिया था उस टाइम पे, और ये लास्ट ईयर अक्टूबर की बात है, और ये M1 चिप वाला है 2020 मॉडल, ठीक है। उसके बाद ये जो आ जाता है अपना आसूस का टच एंड टाइप, यहाँ पर भी टच है, यहाँ पर भी टच है, और ये आपने पहले देखा ही होगा मेरे पास है, इसका प्राइस भी अराउंड 1 लाख रुपीज है, ठीक है। ये 2,800 की टेबल होगी, ओके। अब आ जाते हैं बेस्ट प्लेस की, इस रूम पे मेरा देख रहे होंगे ये है गद्दा, और इधर मैं सोता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इधर एसी नहीं लगाया, मेरा फैन से काम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी है नहीं, ठीक है, बट मैं एसी लगाने का प्लान कर सकता हूँ, तो ये मेरा गद्दा है, और ये जो गद्दा है मैंने इस पर लगाया है, इस गद्दे का ही गद्दे का प्राइस अराउंड आप ये कह सकते हो 10-10 या 12,000 रुपीज का गद्दा है, मैंने स्पेशली बनाया था, इसके अंदर स्प्रिंग होते हैं तो काफी अच्छा मतलब गद्दा है। और आपने मैंने इसमें जो अपना बेडशीट वगैरह सब कुछ लगा रखा है, पूरा ब्लैक का रखा है इस रूम के मैचिंग के अकॉर्डिंग, ये सब कुछ ब्लैक किया हुआ है। तो अभी इस पर बेड आने वाला है, जो बेड की हाइट है वो इतनी ही है, ठीक है, इतनी हाइट है, वो मैंने स्पेशली बनवा रखा है कस्टमाइज करके, वो जो मेरे को लो प्रोफाइल वाले बेड से होते हैं उसके ऊपर ही गद्दा लगेगा, तो इतना ऊंचा हो जाएगा, और ये काफी कूल लगता है, और काफी मेरे को पसंद था कि मैं ऐसा बेड भी अपने पास रखूंगा है ना, तो इसलिए मैंने वो बेड बनवाने के लिए दे रखा है, और 1 या 2 दिन में वो आ जाएगा, और वो आ जाएगा तो फिर आप मेरे ब्लॉग में देख ही लोगे, ठीक है। और बाकी जो कैमरा है देखो, ये
ये हमने जो ब्लॉगिंग पर्पज के लिए कैमरा लिया था, है ना, हमें अराउंड 95,000 में इसका बहुत सारी चीजें और भी हमने एड ऑन की थी, मतलब उसके नीचे का गिम्बल और मिलाम लोके। अब ये कैमरा स्टेबल करके हम वीडियो रिकॉर्डिंग और जो आपके लिए लर्निंग फ्री लर्निंग कंटेंट जितना आने वाला है वो सब कुछ ये कैमरा यहाँ पर लगा के पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप इसको 95,000 रुपीज का इसका प्राइस है। स्टैंड स्टैंड तो छोटे मोटा ही है, इसको हम क्या ही कैलकुलेट करें। और अभी ये बोर्ड है ठीक है, अभी इस पर क्लासेस वगैरह चलता है ना, और लाइव क्लासेस सारी चलती हैं ऐप के अंदर। जो भी मेरा जो ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन जिसका मैंने वो आपको दिखाया था शील्ड टाइप का, वही से इसलिए मिला है क्योंकि वहाँ पे सिखाते हैं, चीजें बताते हैं, पढ़ाते हैं, है ना। तो इसलिए अब इसको अगर मैं खोल देता हूँ तो ठीक है, अभी नॉर्मल रूम बन जाता है, वैसे वो स्टूडियो बन जाता है। बाकी बाहर का आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बाहर से लोकेशन ट्रैक हो जाती है, लोगों को पता चल जाती है कि कहाँ पर रहता है, ठीक है। और जो ये माइक मैं अभी यूज कर रहा हूँ, आपके सामने एक माइक भी यूज कर रहा हूँ, ये रोड का माइक है ना, और इसका दूसरा वाला कनेक्टेड है लैपटॉप के साथ। तो ये रोड का माइक है, इसका प्राइस अराउंड 28,000 रुपीज का इसका प्राइस है। बाकी और सारे छोटे मोटे काम और इसको लगवाना वो सारी चीजें तो आपको पता ही है, वो जो आपके काम करने वाले ये सब करने वाले आते हैं वो अपना अलग प्राइस लेते हैं, शिफ्टिंग का वो सब चीज का वो सब इंक्लूडेड नहीं है। तो मैंने आपको मोटा मोटा अपने पूरे सेटअप का प्राइस बताया है, बाकी आप टोटल कैलकुलेट करके नीचे बता सकते हो कि मेरा ओवरऑल सेटअप कितने का होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग चेयर पे देख के कुछ कर लेते हैं बात, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि ट्रेडिंग सेटअप रखना इतना जरूरी नहीं है कि आपको एक ट्रेडिंग सेटअप भी चाहिए। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ठीक है, और मेरा सब कुछ इसी से चलता है ना। मैं पढ़ाता भी बहुत सारी चीजें, एक दो चीजें मेरी और भी चलती हैं, लेकिन मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मेरा काम यही है, मुझे सुबह उठ के अपने एक डेस्क पर बैठना है, मुझे अपने आप को फील कराना है कि भाई तू एक ट्रेडर है, तुझे उठना है टाइम पे, उठना है, सिस्टम ऑन करना है, बैठना है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, मार्केट ऑब्जर्व करना है, अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करनी है, हर चीज देखना है, ऑप्शन चेंज देखना है ना, अलग अलग चार्ट देखने हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखना है, निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो तो आपको रिलायंस को देखना है, बहुत सारी चीजें। तो एक ही चार्ट में, एक फोन में नहीं देख सकते आप, इसलिए आपको मल्टीपल चार्ट देखने के लिए आपको अपना मल्टीपल स्क्रीन सेटअप रखना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ हर एक ट्रेडर का एक ड्रीम होता है कि वो अपने पास एक मल्टीपल स्क्रीन का एक सेटअप रखे, क्योंकि हमने देखा ही है ऐसा है कि जैसे किसी भी बड़े ट्रेडर को देखो तो उनके पास मल्टीपल स्क्रीन्स होती है ना, एक काफी अट्रैक्टिव वो चीज लगती है। तो हमारे भी मन होता है कि यार ऐसा ही करना है, ठीक है। अब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पैसा बना रहे हो, और आप अपना मनपसंद की चीज अगर आप नहीं रख पा रहे हो ट्रेडिंग पे और जिससे आपका पैसा बनना है वहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपना एक सेटअप बनाया और एक टैब से स्टार्ट करके 1 साल पहले अभी ये पूरा कंप्लीट सेटअप मैं रेडी कर चुका हूँ, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि सेटअप यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आने वाला नेक्स्ट जो अगला सेटअप टूर होगा तो उसमें आपको और भी कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सेटअप इज नॉट कंपल्सरी स्टार्टिंग में, आपके पास एक लैपटॉप है, एक टैब है और एक फोन है ना। इस टैब और फोन से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैंने टैब और फोन से स्टार्ट किया था और वहीं से अभी पूरा ट्रेडिंग सेटअप तक मैं अपने आप को लेके आया हूँ, पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेटअप स्टूडियो तक भी मैं अपने आप को लेके आया हूँ, ठीक है। तो यही अपना एक कंप्लीट एक सेटअप था, इसका प्राइस अकॉर्डिंग टू मैं जो जो चीज आपको दिखाता था उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस वगैरह मिल जाएगा। अब मैं और मेरी पहले मैंने घड़ी वड़ी ये सारी चीजें भी दिखाई थी, गाड़ी वाड़ी ये सब चीजें, वो बता वो ट्रेडिंग सेटअप में इंक्लूडेड नहीं है, वो सब साइड बाय चीजें हैं, ठीक है। बट स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच आप कह सकते हो, एक जीरो से, डेब्ट से, लोन से, कर्जे से ना, रिमेनिंग 4 लाख कैपिटल से स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, वापिस से अपने आप को मोटिवेट करके, और अभी कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप, मतलब काफी कुछ ट्रेडिंग ने दिया है, अनएक्सपेक्टेड चीजें दी है जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। लेकिन अगर ट्रेडिंग मेरा स्किल है, मैं अपने स्किल से अगर पैसा बना लूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि अपना जो चीज मेरे को पैसा बना के दे रहा है उस पर इन्वेस्ट करना, ताकि आने वाले टाइम के लिए वो इन्वेस्टमेंट मेरे को वैल्यू देता रहे। और बाकी यही था कंप्लीट मेरा ट्रेडिंग सेटअप, मेरा ट्रेडिंग रूम, ट्रेडिंग फ्लोर, आप जो भी कह सकते हो, स्टूडियो टूर, यही था, ठीक है। बाकी यही अपन को अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने, कंसिस्टेंसी अपनी ट्रेडिंग में लेके आनी, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, तो हमको हर एक छोटी चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, हमको अपना विजन पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने क्या हम लाइव मार्केट में बैठ के क्या चीज हमसे मिस हो रही है, वो चीज मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने अपने आप को स्केल अप करते हो, बड़े लेवल पर ट्रेड करते हो, तो वो चीजें सब ध्यान रखनी पड़ती है। इसलिए सारा चीज धीरे धीरे आप अपने आप को ग्रो करते हो, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट इनिशियली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि स्टार्टिंग में आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपको सारा सेटअप चाहिए, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो बाकी यही था मेरा कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप और मेरा कंप्लीट जो स्टूडियो टूर है वो मैंने आपको दे दिया। बाकी आपको कैसा लगा मेरा ट्रेडिंग सेटअप वो आप कमेंट करके बता सकते हो, बाकी इसका सिनेमेटिक शॉट आपको देखने को मिल जाएगा जैसे मैं काम करता हूँ। बाकी आप
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी जो कंसिस्टेंट मेरा आपको नीचे ट्विटर का जो है मैंने लिंक दे रखा होगा ट्विटर अकाउंट का, आप वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने डेली के जो मेरे ट्रेड्स हैं उसका मैं ट्विटर पर उसको पोस्ट कर देता हूँ सेंसेबल के थ्रू, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत जल्दी, मैंने स्टूडियो रेडी कर दिया, तो फ्री लर्निंग वीडियोज आने वाले हैं सभी के लिए, और वो फ्री लर्निंग वीडियोज 7, 7, 9 जुलाई को आउट हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे है, ठीक है, तो 9 जुलाई को मेरे को 23 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, और उस दिन मैं कंप्लीट फ्री लर्निंग वीडियोस बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, साइकोलॉजी, माइंडसेट पर कंप्लीट फ्री वीडियोज मैं आपको अपने अपने ऐप के अंदर देने वाला हूँ, तो उस दिन लॉन्च हो जाएगा, बाकी उसका इंटरव्यू वीडियो जल्दी आपको ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था मेरा ट्रेडिंग सेटअप टूर, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।